तो राम राम जी सारे, कैसे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। नीचे राम राम लिख दो, चैनल पे नया आए तो सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करते हो तो बढ़िया, बहुत बढ़िया लगता है यार आपके भाई को। खैर, आज की जो वीडियो है भाई अपनी रहने वाली है टाटा HBX पे, या फिर अगर आप इसे बोलो टाटा हॉर्नबिल, या फिर कुछ और नाम से बुलाना चाहते हो तो बुला लो। देखो यार, वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो गाड़ी है ना, ये इंडियन सेगमेंट को एकदम पलट के रख देगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि सबसे पहले तो सेफ्टी अपनी टाटा हमेशा देती है। सेकंड चीज़ मैं बताऊँ, ये जो गाड़ी है कहीं ना कहीं टाटा नेक्सॉन और अपनी टाटा सफारी है उससे इंस्पायर्ड है। तो आपको 101% इस गाड़ी में टाटा सफारी का और टाटा नेक्सॉन का कंपाइलेशन देखने को मिल सकता है, अभी कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है कि कई सारे जो हैं रूप इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले टाटा मोटर्स के नीचे एक कमेंट लिख दीजिएगा, टाटा मोटर्स के लिए नीचे एक कमेंट लिख दीजिएगा कि आपको कंपनी कैसे लगती है। अच्छा यार देखो, मैं सबसे पहले आपको बताऊँ कि बहुत से लोग हैं जो सिर्फ टाटा टाटा कहते रहते हैं बट उन्हें टाटा की हिस्ट्री नहीं पता, तो उन लोगों के लिए मैं एक हिस्ट्री बताना चाहता हूँ थोड़ी सी। तो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज तो हर एक को होनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले जो है टाटा जो कंपनी थी वो TELCO नाम से जाना जाती थी, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। स्टार्टिंग में जो कंपनी थी ये लोकोमोटिव ही थी सिर्फ, और इसके बाद ये पैसेंजर सेगमेंट में आई थी। शुरुआत हुई थी कंपनी की 1945 में, और टेल्को नाम से जो है कंपनी लॉन्च करी गई थी। सबसे पहला जो इन्हें व्हीकल लॉन्च करा था वो 1954 में करा था, कोलैबोरेशन किया था डेमलर बेंज के साथ, जो 1969 में ख़त्म हो गया। उसके बाद ये लोग पैसेंजर व्हीकल में आए, एंड सबसे पहले जो इन्हें गाड़ी लॉन्च करी वो 1988 में करी, और टाटा मोबाइल नाम से ये कंपनी फाउंड करी गई थी। और उसके बाद जो है इन लोगों ने गाड़ी लॉन्च करी थी टाटा सेरा करके इन 1991, और ये सबसे पहली इंडियन मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई थी जिसने ये काम करके दिखाया था, तो ये बहुत बढ़िया है। उसके बाद भी ये लोग अपनी सेकंड गाड़ी लॉन्च करते हैं 1998 में, और गाड़ी का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। नीचे कमेंट सेक्शन लिख के बताओ कि 1998 में कौन सी गाड़ी इन लोगों ने लॉन्च करी थी, और उस गाड़ी की वजह से टाटा को अपनी कंपनी है वो बेचने की नौबत तक आ गई। तो नीचे कमेंट सेक्शन लिख के बताइएगा, मुझे ज़रूर पता है कि आप लोग लिख देंगे। 2008 की बात करते हैं तो टाटा ने लॉन्च करी टाटा नैनो, और ये वर्ल्ड की सबसे अफोर्डेबल कार जो है बनाई गई थी। उसके बाद जो है इन लोगों ने साउथ कोरियन ट्रक मैन्युफैक्चरर को एक्वायर कर लिया, और ये कंपनी का नाम था डेवू, आपने सुना होगा, कमर्शियल व्हीकल्स कंपनी है 2004 में। और उसके बाद भाई 2008 में जैगवार लैंड रोवर खरीद ली फोर्ड से, तो वो स्टोरी तो आप लोगों ने सुनी होगी, कितनी ज़बरदस्त स्टोरी थी यार, कि जिसमें वो जाते हैं और बोलते हैं कि भाई अब मैं तुम पहचान कर रहा हूँ, तो वो स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल होगी थी, मैं तो क्या ही बताऊँ। तो भाई ये जो है कंपनी 76 साल पुरानी है, एंड अगर मैं इनके रेवेन्यू की बात करूँ तो होश उड़ जाएंगे। 3,19,247 करोड़ का रेवेन्यू जो है 2021 में आया है। लॉस वॉस की भी बात होती रहती है, तो 2,300 का जो है लॉस भी हो रखा है। खैर भाई, ये जो है कंपनी बहुत ही बड़ी है, एंड अभी हाल फिलहाल रतन टाटा जी जो हैं वो इस कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, ये सब छोड़ते हैं भाई, अभी जो हैं बात करने वाले हम लोग टाटा HBX के बारे में, या फिर टाटा हॉर्नबिल के बारे में। सो गाइस, गाड़ी जो है रिसेंटली भाई, ये देखो फर्स्ट वीडियो होगी जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों ने बोला कि हर्ष भाई आप बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आजकल गाड़ियों के बारे में, तो यही दो। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई गाड़ी जो है सबसे पहले ऑटो एक्सपो में देखी गई थी अपनी टाटा HBX नाम से, हॉर्नबिल नाम से, 2020 का जो ऑटो एक्सपो हुआ था। और मैं यार बहुत पहले गया था आज से पहले एक ऑटो एक्सपो में, जिसमें मैंने टाटा हैरियर को देखा था, एंड भाई उस टाइम मेरे को ये लग रहा था कि ऐसी हैरियर तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, एंड ट्रस्ट मी वो वैसी की वैसी हैरियर टाटा ने रोड पे लाके दिखा दी। तो ये चीज़ तो बढ़िया है कि टाटा जो है इतने ब्रेन से भी खेल रही है हाल फिलहाल, कि वो लोग जो हैं भाई डिज़ाइन भी दे रहे हैं, सेफ्टी भी दे रहे हैं, बस इंजन में थोड़ी बहुत ठीक ठाक कर लेना यार, वो चीज़ में मैं बोलूँगा, फिर तो टाटा का कोई रोक ही नहीं सकता सबसे ज़्यादा ऊपर जाने में। खैर यहाँ पे देखो भाई, अभी इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में पूरा नहीं पता, बट जितना भी पता है मैं आपको बता देता हूँ, जितना मेरे को सोर्सेज से पता चला है। सो गाइस, ये जो गाड़ी है ये बेस्ड होगी अल्फा प्लेटफॉर्म पे, जो कि अपना टाटा एल्ट्रोस का ही प्लेटफॉर्म है, और पावर ट्रेन जो है यानी कि पावर इंजन जो है वो आपको टियागो वाले मिलने वाले हैं, यानी कि 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा। तो यहाँ पे वापस मैं बोलूँगा टाटा से कि ये चीज़ थोड़ी सी मेरे को हमेशा टाटा की गलत लगती है यार, 3 सिलेंडर इंजन देते हैं, यही अगर 4 सिलेंडर इंजन देना तो भाई मतलब सही में बता रहा हूँ कोई भी कंपनी टिक नहीं सकती टाटा का, ये तो थोड़ा इंजन जो है इनको इसमें करना पड़ेगा। खैर यहाँ पे आपको 5 स्पीड गेयरबॉक्स मिलने वाले हैं, और एक AMT जो है ऑटोमेटिक वेरियंट भी मिलेगा, तो जो मेरे भाई ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं गाड़ी वो ले लेंगे। अच्छा, जैसे कि मैं भाई पहले बता दूँ आपको, जो गाड़ी है वो SUV टाइप में रखी जाएगी थोड़ी, तो इसके टायर जो हैं वो लगभग 16 से 17 इंच के आसपास जो हैं एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं। म्यूज़िक की बात करूँ, कौन से कुछ
म्यूजिक्स के साथ गाड़ी का जो टॉप मॉडल लगा वो लॉन्च होगा। तो भाई इसमें हरमन कादन के जो हैं आपको म्यूजिक स्पीकर्स मिलने वाले हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स की बात करूँ तो LED DRLs और प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। और उसके बाद जो कैबिन का इंटीरियर होगा वो आपको टियागो NRG या फिर टियागो जैसा थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। मैं आपको पहले बता दूँ, ये जो गाड़ी आप इसको प्रीमियम मत एक्सपेक्ट करिएगा। टाटा जो है, एक कई लोग ऐसे होते हैं जिनका SUV चलाने का मन होता है बट बिकॉज बजट बहुत ज़्यादा चले जाता है SUV का, तो टाटा उसी परस्पेक्टिव से टाटा HBX को लॉन्च करने वाली है कि कम पैसे में सफारी वाला मज़ा जो है आप लोगों को गाड़ी मिलने वाला है। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका का जो है ये गाड़ी एकदम रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात करूं, ये गाड़ी जो है इग्निस के आसपास प्राइस करी गई है। हालांकि मारुति ने भी यही सोच के लॉन्च करी थी अपनी इग्निस की, हमारी इग्निस जो है छोटी SUV है बट वो कहीं से छोटी SUV नहीं है। खैर, इग्निस वाले मेरे भाई बुरा मत मानिएगा। अभी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो गाड़ी जो है 4.95 लाख से लेकर 7.50 लाख तक जो है प्राइस रखा जाएगा इस गाड़ी का। तो आप लगा सकते हैं कि भाई जो गाड़ी है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आपको बात करूं कि इस गाड़ी के बारे में और हमें क्या कुछ पता है। तो गाइज, ये थे सबसे ज़्यादा लीक्स अभी तक के। गाड़ी में थोड़े बहुत इंटीरियर्स की बात करूँ तो इम्पैक्ट 2.0 डिज़ाइन जो है गाड़ी वो आपको लॉन्च होने वाली है। उसके बाद जो है एल्ट्रोज और नेक्सॉन या फिर टियागो के कैबिन आपको गाड़ी मिलने वाला है। इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलेगी बीच में, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले की कंपेटेबिलिटी होगी विद प्रीमियम साउंड सिस्टम। मैंने आपको बता दिया था हरमन का जो इसमें आपको मिलने वाला है। और ABS EBD रोल ओवर जो अपनी मिटिगेशन है वो सब आपको इसमें कॉमन मिलने वाले हैं। अभी देखो, एक चीज़ कंफर्म नहीं है कि ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, वो तो स्टैंडर्ड आते ही नहीं है, बट कंपनी ने एक प्रस्ताव रखा था अपने गवर्नमेंट ने कि 6 एयरबैग्स हर एक गाड़ी में होने चाहिए। तो मे बी बिकॉज टाटा सेफ्टी पे इतना ध्यान रखती है तो ये गाड़ी जो है ये भी शायद से 6 एयरबैग्स के साथ आ सकती है। और इंजन की मैंने आपको बात बताई थी। पावर एक बार ये बता दूँ कितना जनरेट करेगी, तो 1.2 लीटर जो है इसमें आपको रेवट्रॉन मोटर का इंजन मिलने वाला है जो जनरेट करेगा लगभग 86 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क। तो ये चीज़ वापस मैं बोलूँगा कि गाड़ी जो अंडर पावर रहेगी थोड़ी सी, क्योंकि 86 PS आप खुद लगा सकते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा भगाने वाला शौकीन हो तो उसको थोड़ा थोड़ा जो है कम कुछ मिलने वाली है। तो ये गाड़ी जो है भाई हुंडई कैस्पर, आपको पता होगा हुंडई कैस्पर लॉन्च होने वाली है वो, और मारुति सुजुकी इग्निस के साथ कम्पीट करेगी। और प्राइसिंग जो है काफ़ी अग्रेसिव रखा गया इस गाड़ी का। खैर गाइस, एंट्री लेवल जो होगा इसका XE ट्रिम होगा तो उसका प्राइस जो है 4.60 लाख के आसपास रखा जाएगा। एनीवेज गाइज, आई होप कि मैं आपको बता चुका हूँ बहुत टाटा HBX के बारे में या फिर टाटा हॉर्नबिल के बारे में। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा। ये थे सबसे रीसेंट लीक्स एंड गाड़ी जो है वो लगभग अपना इंडियन में जो फेस्टिवल होते हैं दिवाली के आसपास जो है लॉन्च करी जाएगी। तो उसके बाद जो है आप लोग इस गाड़ी को चला सकते हैं। अगर मेरे को मौका मिला तो मैं उससे पहले भी जो है जितने लीक्स आएंगे उनके बारे में आपको वीडियो बताते रहूँगा। अच्छा, एक न्यूज़ और, अभी टाटा ने हाल फिलहाल में हैरियर और टाटा सफारी जो है उनके 2-3 न्यू वेरियंट्स लॉन्च करे हैं। तो इनकेस अगर आपको नहीं पता हो तो वो भी आप जाके देख सकते हैं कि कौन से जो है न्यू वेरिएंट्स लॉन्च करें। लास्ट में चलते चलते एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है जिसमें मैं नई गाड़ियों के बारे में बता रहा हूँ। अगर आ रहा है तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन लिख के बताएगा कि हाँ हर्ष भाई ऐसे ही वीडियोस बनाओ, बिकॉज आप लोग कमेंट करते हैं तो वो मेरे को मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोज़ के बारे में बनाने के लिए और ऐसा और कंटेंट आप लोगों के लिए ढूंढने के लिए। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जितने भी मोस्टली मेरी रिसर्चेज होती हैं वो सारी ऑथेंटिक होती हैं। तो जितना भी मैंने आपको इस गाड़ी में बताया है ऐसा ही सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा, प्राइसिंग से लेके हर चीज़ को। खैर, लास्ट में बोलूँगा टाटा के बारे में कोई बुराई नहीं करी है मैंने, इसमें बस इंजन के बारे में बताया कि थोड़ा सा इंजन सुधार ले तो गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी। आज की वीडियो में तो इतना ही था और उम्मीद करते हो पसंद आए। पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक ऐसी और निकले, बाय, धन्यवाद।